Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. I know it's been a long, but no worries, I'm back. So guys, आप में से जितने भी लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि आई एम अ मदर ऑफ 2.5 months ओल्ड बेबी. यस, आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल ऑन 7th of November 2022. हर नेम इज कायरा और फिलहाल मैं फर्स्ट क्राई के स्टोर पर आई हूँ. मुझे कायरा का कुछ सामान लेना था जो ख़त्म हो गया था, सो आई जस्ट पिक इट अप और उसके बाद मैं घर जल्दी जाऊँगी क्योंकि कायरा भी बहुत छोटी बच्ची है तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए अकेले नहीं छोड़ सकते. बाय द वे वो अभी अपनी दादी के साथ है तो मैं यहाँ से उसका सामान ले लेती हूँ और फिर मैं घर जाती हूँ. मुझे एक्चुअली कायरा के लिए सेटाफिल फेस मॉइस्चराइज़र लेना था बट आई गेस यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है ये स्टोर पे, तो मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा. बाय द वे मेरी दी ने मुझे मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र भी सजेस्ट किया है बट यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं था तो वो भी मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ. सो आई एम बैक टू माई बेबी, शी हैज़ जस्ट वोकन अप. बाय द वे मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है. हियर इट इज, ओह माय पीकू, ही हैज ऑल ग्रोन अप. आप सबको याद होगा ना, मेरा छोटा सा बिगू अब इतना बड़ा हो गया है. मासी की जान है ये और आपको पता है ये बहुत शरारती हो गया है. इसको खाना खिलाना ना बहुत बड़ा टास्क है, इसके पीछे पीछे भागना पड़ता है. कायरा लव्स हिज सिस्टर कायरा. कायरा को देख के कायरा बहुत खुश हो जाता है. और यहाँ पर नानी और दादी का डिस्कशन टॉपिक है कायरा. कायरा से हाय, शी इज स्लीपी अगेन. हमने एक्चुअली यहाँ पे लाइट्स ऑफ किए हुए हैं क्योंकि कायरव को सुलाने की कोशिश की जा रही थी बट ही वॉन्ट्स टू प्ले और इतने सारे लोग मिलते हैं ना कायरव को तो उसको खेलने का मन होता है. And now they are going back home. तो अभी शाम के 6 या 7 बजे हैं और यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ कुछ मीठा बना रही है मेरे लिए. उनको कुकिंग करना बहुत पसंद है, वो एक्सपेरिमेंट करती रहती है बट ये कोई पहाड़ी डिश है जिसका नाम मैं एंड टाइम पे भूल गई हूँ. मुझे ये बहुत पसंद है, अगर आपको इसका नाम पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. बाय द वे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं, जैसे आटा, सूजी, जैगरी, सौंफ भी यूज़ किया है और थोड़ा सा घी.
और अब हम यहाँ पे कविता के हेयर कट के लिए आए हुए हैं। बहुत सोचने के बाद उसने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि शी वांट्स टू गो फॉर इट। एंड दिस इज हाउ आर लाइफ लुक्स लाइक नाउडेज। अब रात के 2:30 कुछ बजे हैं एंड कायरा वांट्स टू प्ले नाउ। मुझे और हिमांशु को बहुत नींद आ रही है। अब हिमांशु का फेस देखना आपको पता चल जाएगा वो कितने नींद में है। ओके गाइस, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।